हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग। ये जजमेंट जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये छत्तीसगढ़ में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के फैक्ट्स से। क्वेश्चन के फैक्ट्स हैं कि 11 जून 2010 को राजेंद्र पटेल ने, जो कि फादर हैं अशोक पटेल के, इन्होंने अपने सन की मार्कशीट को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करने के लिए सबमिट करी थी। जो टोटल मार्क्स इस मार्कशीट में थे, वो मार्क्स अगर एक स्टूडेंट 100% मार्क्स भी ले आता है, तो उससे ज़्यादा मार्क्स इस अशोक पटेल की मार्कशीट में दिए गए थे। जब ये मार्कशीट एडमिशन स्क्रूटनी कमेटी के सामने गई, तो उन्हें सस्पिशन रेज हुआ। जो कि इस कमेटी के हेड थे, वो थे डॉक्टर DS तोमर, इनको सस्पिशन क्रिएट हुआ। और साथ ही ये जो मार्कशीट थी, ये रीवैल्यूएशन के बाद इशू की गई थी। जैसे कि हमारी ओरिजिनल मार्कशीट और उसके बाद अगर हम उसे रीवैल्यूएशन करते हैं, तो दोनों पे अलग डेट होगी, पर इस पर सेम डेट और सील थी जो कि ओरिजिनल मार्कशीट पर होनी चाहिए। अब इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए डॉक्टर DS तोमर ने FIR लॉज कराई इनके फादर, यानी ये जिसका जो पर्सन उन अथॉरिटी के सामने मार्कशीट लेकर आया था, राजेंद्र पटेल, उसके अगेंस्ट FIR लॉज कराई शंकर नगर पुलिस स्टेशन रायपुर में। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई, तो जितने भी सीज़र करने थे, जो जो चीज़ें सीज करनी थी, वो इन्वेस्टिगेशन में सीज की गई। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस ने जो चार्जशीट है राजेंद्र पटेल के अगेंस्ट फाइल करी। डिफेंस में इनके काउंसिल आए, उन्होंने प्ली रेज करी कि एक्यूज्ड ने खुद से ये फोर्ज मार्कशीट नहीं बनाई है और ना ही इनको पता है कि ये मार्कशीट फोर्ज्ड है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जिस फोर्जरी की ये बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली फोर्जरी तो कमिट हुई ही नहीं है, इसलिए इन्हें इस ऑफेंस के लिए भी गिल्टी नहीं किया जा सकता। ये तो थे हमारे क्वेश्चन के फैक्ट। अब स्टार्ट करते हैं जजमेंट राइटिंग। सबसे पहले आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे द कोर्ट ऑफ, यहाँ पे कोर्ट का नाम आएगा, उनके डेजिग्नेशन, उनका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रायपुर छत्तीसगढ़। उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिखेंगे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू SHO, पुलिस स्टेशन शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। देखिए, क्योंकि ये जो केस हम कर रहे हैं, ये पुलिस FIR से फाइल किया गया है, तो स्टेट ही प्रोसिक्यूशन होता है इस केस में, तो प्रोसिक्यूशन की जगह स्टेट आ जाएगा वर्सेस जो एक्यूज्ड है, उसकी पूरी डिटेल्स आएंगी, एक्यूज्ड का नाम, एक्यूज के फादर का नाम, उसकी एज, उसका रेजिडेंस ऑफ और जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसका, वो आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि हम ये क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हमें चार्ज फ्रेम करना। यहाँ चार्ज फ्रेम करते टाइम आप ध्यान रखेंगे कि जिस सीक्वेंस में ऑफेंस हुआ है, उसी सीक्वेंस में चार्ज फ्रेम किया जाएगा। और चार्ज फ्रेम करते टाइम ध्यान रहे कि कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट सेक्शन जिसके अंदर ऑफेंस क्रिएट हो रहा है, वो छूट ना जाए। स्टार्ट करते हैं कि चार्ज कैसे फ्रेम करेंगे। सेंटर में हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में चार्ज। उसके बाद आप लिखेंगे आई, मींस जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनका नाम आएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रायपुर छत्तीसगढ़। चार्ज करते हैं एक्यूज पर्सन राजेंद्र प्रसाद को और उनकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, किस किस सेक्शन में चार्ज लगाया जा रहा है। पहली बात तो जब आप चार्ज फ्रेम करें, इस तरह से फ्रेम किया जाए कि अगर एक लेमैन भी पढ़े, तो उसे समझ में आ जाए कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या एक्ट किया था, जिससे कि उसका वो एक्ट एक ऑफेंस बन गया। तो यहाँ पे हम मेनली चार्ज फ्रेम करके एक्यूज को नोटिस देते हैं कि तुमने क्या एक्ट किया था जो एक्ट तुम्हारा ऑफेंस बन गया। सबसे पहले हम एक्यूज के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करते टाइम लिखेंगे दैट यू एक्यूज ऑन 11 जून 2010 को अलैज डेट पर शंकर नगर रायपुर में डिसऑनेस्टली फॉल्स मार्कशीट आपने बनाई थी, जो कि एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, और इस इंटेंशन से बनाई थी ताकि आपके सन का जो क्लेम है कि वो उस कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके, उसको सपोर्ट करने के लिए आपने ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि मार्कशीट है वो बनाई थी, इसलिए आपने ऑफेंस कमिट किया है, ऑफेंस ऑफ फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 467 ऑफ इंडियन पीनल कोड और इस कोड की कॉग्निजेंस में है। उसके बाद नेक्स्ट चार्ज हम बनाएंगे कि दैट यू एक्यूज्ड ऑन अबव डेट टाइम एंड प्लेस। अगर आप चाहें तो दोबारा से टाइम और प्लेस जो डेट है वो दोबारा लिख सकते हैं कि उस डेट टाइम और प्लेस पर
तुमने फोर्जरी कमिट करी थी, क्योंकि हम फर्स्ट चार्ज में फोर्जरी कमिट करने का ऑफेंस बना चार्ज बना चुके हैं, तो अब यहाँ वही लिखेंगे कि आपने उस अबव डेट टाइम और प्लेस पर फोर्जरी कमिट की है मार्कशीट के रिगार्डिंग इस इंटेंशन से ताकि आप चीट कर सकें मेडिकल अथॉरिटी को, ताकि आपका सन एडमिशन सिक्योर कर सके उनके कॉलेज में, इसलिए आपने ऑफेंस कमिट किया है फोर्जरी विद एन इंटेंशन टू चीट पनिशेबल अंडर सेक्शन 468 ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड इज विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट चार्ज इनके ऊपर बनता है कि एक्यूज ने उस अलेज्ड डेट टाइम और प्लेस पर डिसऑनेस्टली इस फोर्ज्ड मार्कशीट को यूज़ किया, इसे सबमिट करके मेडिकल अथॉरिटी के सामने, ये जानते हुए कि ये जो मार्कशीट है ये फोर्ज्ड है, इसलिए इस एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट को यूज़ करने का एज जेन्युइन। मतलब फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है और ये पता है कि फोर्ज्ड है और उसे जेन्युइन की तरह उस कमेटी के सामने प्रेजेंट किया है, जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 471 ऑफ इंडियन पीनल कोड और इस कोड के कॉग्निजेंस में है। उसके बाद नेक्स्ट चार्ज हम एक्यूज्ड पर बनाएंगे, दैट यू एक्यूज्ड ऑन अलेज्ड टाइम एंड प्लेस डिसीव किया है तुमने मेडिकल अथॉरिटी को फोर्ज्ड मार्कशीट उनके सामने सबमिट करके, और इंटेंशनली इंड्यूस किया है अथॉरिटी को ताकि वो एडमिशन दें आपके बेटे को, पर क्योंकि जो भी वहाँ पे कमेटी थी उन्होंने आपको पकड़ लिया, इसलिए तुमने ऑफेंस कमिट किया है अटेम्प्ट टू चीट का। मतलब तुम चीट करने जा रहे थे पर क्योंकि जो वहाँ की कमेटी थी वो अलर्ट थी, उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया, इसलिए तुमने ऑफेंस किया है अटेम्प्ट टू चीट, जो कि पनिशेबल है सेक्शन 420 रेड विथ 511 ऑफ इंडियन पीनल कोड। रेड विथ हमने क्यों लिखा, क्योंकि आईपीसी में कहीं पर भी अटेम्प्ट टू चीटिंग की पनिशमेंट नहीं है, चीटिंग की पनिशमेंट है, और अगर कोई ऑफेंस जिसका अटेम्प्ट आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है उसे हम रेड विथ करके पढ़ते हैं सेक्शन 511 के साथ, तो हम यहाँ वही लिखेंगे सेक्शन 420 रेड विथ सेक्शन 511 और ये इस कोड की कॉग्निजेंस में है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे दैट आई हेयर बाय, यानी कि वो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं एक्यूज्ड को कि ये कोर्ट जिसने तुम्हारे ऊपर चार्ज फ्रेम किया है वही तुम्हें इस ऑफेंस के लिए ट्राई करेगी। उसके बाद डेट लिख देंगे, प्लेस लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर साइन और सील लगेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के साथ। उसके बाद चार्ज फ्रेम करने के बाद आप सेंटर में लिखेंगे प्ली ऑफ एक्यूज्ड। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब चार्ज रीड करके और एक्सप्लेन करके एक्यूज्ड को बताया गया तो उसने कहा कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, मुझे इस केस में फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, मैं गिल्टी प्लीड नहीं करता और मैं ट्रायल फेस करना चाहता हूँ। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर एक्यूज्ड के साइन होंगे, उसके बाद एक्यूज्ड के साइन हो जाने के बाद राइट हैंड साइड पर साइन और सील होंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के। अब यहाँ चार्ज फ्रेम करने और प्ले ऑफ एक्यूज्ड रिकॉर्ड करने के बाद हम शुरू करते हैं जजमेंट राइटिंग। यहाँ पे आप सेंटर में लिखेंगे कोर्ट ऑफ, जो भी कोर्ट है उसका नाम आएगा, उनकी डेजिग्नेशन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। उसके बाद सेंटर में आप लिखेंगे प्रिजाइडेड बाय, यहाँ पे जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनका नाम आएगा, राइट हैंड साइड पर सीआईएस नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन आएगी। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिखेंगे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू एसएचओ, पुलिस स्टेशन जो है वो आ जाएगी, वर्सेस एक्यूज्ड की पूरी डिटेल्स आएंगी, उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसका एज, उसका रेजिडेंस ऑफ और जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन है। उसके बाद दोनों की साइड से कौन से काउंसिल प्रेजेंट हो रहे हैं उनका नाम आएगा, क्योंकि ये एफआईआर से केस फाइल हुआ है जिसको कि स्टेट प्रोसिक्यूट कर रहा है, तो स्टेट की तरफ से आएंगे यानी कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से होंगे एडीपीओ, और जो डिफेंस की तरफ से जो भी एडवोकेट होंगे उनका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद सेंटर में आप लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में जजमेंट, जिस भी डेट को प्रोनाउंस किया गया, क्योंकि हम एग्ज़ाम में ये जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं, तो जिस दिन हमारा एग्ज़ाम में हम ये जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद पैरा नंबर 1 से लेकर पैरा नंबर 5 तक के जो पैराज हैं ये हर क्रिमिनल जजमेंट में सेम रहेंगे। पैरा नंबर 1 में आप लिखेंगे कि किस सेक्शन में चार्ज फ्रेम किया गया एक्यूज्ड के अगेंस्ट, पैरा नंबर 2 में लिखेंगे कि इस केस में कोई डिस्प्यूटेड फैक्ट है तो उसे लिखा जाएगा। उसके बाद पैरा नंबर 3 में प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी आएगी, पैरा नंबर 4 में 313 की स्टेटमेंट की बात की जाएगी, पैरा नंबर 5 में जिन भी सेक्शंस में हमने चार्ज फ्रेम किए हैं उनको पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा।
स्टार्ट करते हैं पैरा वन से। पैरा नंबर वन में हम लिखेंगे कि इस केस में एक्यूज्ड को चार्ज किया जाता है सेक्शन 467, 468, 471, 420 रेड विथ 511 ऑफ आईपीसी में कि उसने ऑफेंस कमिट किया है फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी का, जो कि मार्कशीट है, इस इंटेंशन से कि वो चीट कर सके और उस फोर्ज मार्कशीट को यूज़ कर सके जेन्युइन की तरह, जिससे कि उसने अटेम्प्ट किया है चीट का मेडिकल अथॉरिटी को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि इस फैक्ट में जो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है वो ये है कि एक्यूज ने ये बात मानी है कि उसने जो मार्कशीट है वो सबमिट करी है मेडिकल अथॉरिटी के सामने। उसके बाद पैरा नंबर थ्री में प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी आएगी। स्टोरी क्या है कि एक्यूज ने अपने सन की मार्कशीट को सबमिट किया है ताकि उसके सन को एडमिशन मिल जाए मेडिकल कॉलेज में। जो मार्क्स हैं इस मार्कशीट पर, वो अगर एक स्टूडेंट 100% मार्क्स भी ले आए, मतलब पूरे पूरे मार्क्स भी ले आए, तो भी इतने मार्क्स नहीं ला सकता जितने कि इस मार्कशीट में शो किए गए थे। जिसने कि सस्पिशन रेज किया कमेटी के सामने, इनके हेड थे डॉक्टर डी एस तोमर, उसके साथ ही ये जो मार्कशीट थी ये इशू की गई थी रीवैल्यूएशन के बाद। पर इस मार्कशीट पर जो डेट और सील था वो सेम था जो कि ओरिजिनल मार्कशीट पर होना चाहिए। ये जो डॉक्टर डी एस तोमर है, इन्होंने इन सभी फैक्ट्स को देखने के बाद FIR लॉन्च कराई राजेंद्र पटेल के अगेंस्ट शंकर नगर पुलिस स्टेशन रायपुर में। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी पुलिस ने अंडर सेक्शन 173 क्लोज 2 ऑफ CRPC, जो कि जिस पर कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया सेक्शन 190 क्लोज बी ऑफ CRPC में। उसके बाद पैरा नंबर 4 में हम लिखेंगे जब चार्ज रीड करके और एक्सप्लेन करके एक्यूज को बताया गया तो उसने प्लीड किया कि वो गिल्टी नहीं है। उसको जब पर्सनली एग्जामिन किया गया 313 में तो एक्यूज ने कहा कि उसने खुद से ये फोर्ज मार्कशीट नहीं बनाई है और ना ही उसे इस मार्कशीट का पता है कि ये फोर्ज्ड है। साथ ही उसने ये भी कहा कि फोर्जरी अब तक कमिट नहीं हुई है क्योंकि जो एक्ट होना चाहिए था वो अभी नहीं हुआ है, इसलिए इसको इस ऑफेंस के लिए गिल्टी भी नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पैरा नंबर 4 में हमने 313 की बात करी है जो कि हमारे को क्वेश्चन में नहीं दी गई है, पर 313 क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में मैंडेटरी है, तो हम यहाँ खुद से प्रिज्यूम करते हुए ये चीज़ें स्टेट करते जाएंगे। अब आ जाते हैं पैरा नंबर 5 पे। यहाँ पे आप कैपिटल लेटर्स में पहले लिखेंगे पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। अब जिन जिन सेक्शंस में आपने चार्ज फ्रेम करे हैं उनको डिटर्मिनेशन की फॉर्म में लिखते हुए, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हुए हम यहाँ पैरा नंबर 5 में लिख देंगे। फर्स्ट है हमारा कि क्या 11 जून 2010 को उस अलेज डेट और टाइम पर एक्यूज्ड ने फोर्जरी कमिट करी है उस मार्कशीट के रिगार्डिंग, जो कि एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। दूसरा पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन होगा कि क्या उस अबव डेट टाइम और प्लेस पर एक्यूज्ड ने फोर्जरी कमिट की है उस मार्कशीट के साथ इस इंटेंशन से कि वो चीट कर सके मेडिकल अथॉरिटी को ताकि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन हमारा होगा कि क्या एक्यूज्ड ने उस अलेज डेट टाइम और प्लेस पर डिसऑनेस्टली इस फोर्ज्ड मार्कशीट को यूज़ किया है इस नॉलेज से कि ये जो डॉक्यूमेंट वो यूज़ कर रहा है ये फोर्ज्ड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन होगा कि क्या एक्यूज ने उस अलेज्ड टाइम और प्लेस पर डिसीव किया है मेडिकल अथॉरिटी को फोर्ज मार्कशीट सबमिट करके और इंटेंशनली इंड्यूस किया है अथॉरिटी को कि वो एडमिशन दें उसके बेटे को, पर क्योंकि इसे पकड़ लिया गया उस कमेटी ने तो इसने ऑफेंस कमिट किया है अटेम्प्ट ऑफ चीटिंग का। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि अगर इन सभी पॉइंट्स को डिटरमाइन किया जाता है तो क्या एक्यूज को एक्विटल होना चाहिए या फिर कन्विक्शन होना चाहिए। उसके बाद आप सेंटर में लिखेंगे रीज़न फॉर डिटर्मिनेशन। यहाँ जितने भी हमने पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनाए हैं अब हम उनको विद रीज़न एविडेंस के अकॉर्डिंग एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो एक एक पॉइंट को अलग भी डिटरमाइन कर सकते हैं और चाहें तो एक साथ भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हम सभी पॉइंट्स को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम लिखेंगे पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पैरा नंबर 6 से आपका जुडिशियल माइंड अप्लाई होना शुरू हो जाएगा कि कौन सा फैक्ट किस एविडेंस के अकॉर्डिंग एविडेंस के किस सेक्शन में रेलेवेंट है। स्टार्ट करते हैं पैरा नंबर 6 से। यहाँ हम लिखेंगे कि एविडेंस के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए और कोर्ट ओवरबर्डन ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम सभी पॉइंट्स को एक साथ एनालाइज डिटरमाइन करेंगे एज़ पर सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट।
पूरे केस को प्रूव करने का ओनस होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर, साथ ही क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का कार्डिनल प्रिंसिपल है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मतलब कि कोर्ट एक्यूज्ड को इनोसेंट ही प्रिज्यूम करेगी। अगर अब प्रोसिक्यूशन उसका गिल्ट प्रूव करना चाहता है तो उसे कोर्ट के सामने उसका गिल्ट प्रूव करना होगा बिना किसी रीजनेबल डाउट के। अब नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन अपने इस बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए सबसे पहले खुद को एग्जामिन करवाता है एज PW1, क्योंकि इस केस में जो कंप्लेनेंट हैं वो हैं डॉक्टर DS तोमर, तो वो अपने आप को सबसे पहले एग्जामिन करवाने हैं, जो कोर्ट में आकर कहते हैं कि एक्यूज ने फोर्ज मार्कशीट सबमिट करी थी उनके सन की ताकि उसे एडमिशन मिल जाए मेडिकल कॉलेज में। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये मोटिव को शो कर रहा है कि किस मोटिव से इस एक्यूज्ड ने ये फोर्ज डॉक्यूमेंट को सबमिट किया था कॉलेज अथॉरिटी के सामने। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 साथ ही ये भी डिपोज करते हैं कि ये जो मार्कशीट है ये इशू की गई थी रीवैल्यूएशन के बाद, इस पे जो डेट और सील है वो ओरिजिनल मार्कशीट वाली ही है, तो ये फैक्ट भी रेलेवेंट होगा सेक्शन 9 में, क्योंकि जो फैक्ट इन इशू है इस केस में कि ये मार्कशीट फोर्ज है उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है ये इन्फरेंस के दोनों पर अलग डेट होनी चाहिए थी पर दोनों मार्कशीट्स पर डेट सेम है, तो इन्होंने ये FIR लॉन्च करी है एग्जिबिट P1 एक्यूज्ड के अगेंस्ट। ये फैक्ट भी रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 में, क्योंकि ये सबसीक्वेंट कंडक्ट है इस विक्टिम का जो कि फैक्ट इन इशू से इन्फ्लुएंस हुआ है। यहाँ पे ये जो डॉक्टर DS तोमर हैं इन्हें हम विक्टिम मान रहे हैं क्योंकि इनके सामने ये फोर्ज डॉक्यूमेंट आया था, अब चाहें तो यहाँ पर कंप्लेनेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 की टेस्टिमनी है यानी इस डॉक्टर DS तोमर की जो टेस्टिमनी है ये कोरोबोरेट होती है इनकी FIR एग्जिबिट P1 से एज़ पर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और जब इन्हें क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये रिबट नहीं हुए। उसके बाद आते हैं पैरा नंबर 8 पे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे अब ये प्रोसिक्यूशन उन्हें एग्जामिन करवाते हैं एज PW2, जो कि आकर कोर्ट में अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने FIR लॉन्च कराई थी। ये फैक्ट जो इन्होंने कोर्ट में आकर कहा कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने FIR कराई थी, ये प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 की जो टेस्टिमनी है उसे क्रेडिबिलिटी देती है, मतलब कि ये ट्रस्ट किया जा सकता है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने जो कोर्ट में आकर कहा वो सच है। इन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने फर्दर कोर्ट के सामने कहा कि जो भी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करी उस दौरान जो भी ज़रूरी चीज़ें थी उन्हें इन्होंने सीज़ किया और सीजर मेमो प्रिपेयर किया एग्जिबिट P2। जब प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 को क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये रिबट नहीं हुए। उसके बाद हम पैरा नंबर 9 में लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज होने पर जब एक्यूज्ड को पर्सनली एग्जामिन किया गया सेक्शन 313 ऑफ CRPC में, जिसमें कि इन्होंने स्टेट किया, एक्यूज्ड ने स्टेट किया कि इसने फोर्ज डॉक्यूमेंट यानी कि वो फोर्ज मार्कशीट प्रिपेयर नहीं करी है, पर इन्होंने ये जो प्ली ली कि इन्होंने फोर्ज मार्कशीट नहीं बनाई है, पर इसके साथ इन्होंने कोई इंडिपेंडेंट विटनेस को एग्जामिन नहीं करवाया, साथ ही जो एग्जिबिट P2 है यानी कि वो सीजर मीमो उनसे ये क्लियरली इंडिकेट होता है कि एक्यूज्ड का कनेक्शन है इस अलेज्ड फोर्जरी के साथ। साथ ही इन्होंने ये भी प्लीड किया कोर्ट के सामने कि इन्हें नहीं पता है कि ये जो मार्कशीट है ये फोर्ज्ड है, इनकी ये प्ली भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इस मार्कशीट पर जो मार्क्स हैं वो एक पर्सन जितने मार्क्स लेकर आ सकता है उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, और साथ ही ये मार्कशीट रीवैल्यूएशन के बाद इशू की गई थी और इस पर सेम डेट और सील है जो कि ओरिजिनल पर होनी चाहिए। इन सभी फैक्ट से ये मैनिफेस्ट होता है कि ये जो मार्कशीट इन्होंने लगाई है ये फोर्ज्ड है और इन्होंने इस डॉक्यूमेंट के साथ टेम्परिंग करी है, तो कोर्ट अंडर सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशन ड्रॉ करती है कि एक्यूज्ड को इस फोर्जरी की नॉलेज थी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, मतलब कि आप एक मार्कशीट को एक अथॉरिटी के सामने सबमिट कर रहे हो, पहली बात तो ओरिजिनल के जैसी ही डेट है ये बात जानते हुए कि ये रीवैल्यूएशन के बाद मार्कशीट इशू की गई है, और दूसरी बात ये कि मार्कशीट पर जो नंबर हैं वो एक जितने मार्क्स हो सकते हैं मैक्सिमम उससे भी ज़्यादा मार्क्स उस मार्कशीट पर है, तो
एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का अगर हम कंडक्ट देखें तो उसे भी ये फैक्ट देखकर नॉलेज हो जाएगी कि ये मार्कशीट फोर्ज है। कोर्ट इन सब चीज़ों को देखते हुए ये प्रिजम्पशन रेज करती है कि एक्यूज्ड को इन सभी चीज़ की नॉलेज थी, यानी एक्यूज्ड को फोर्जरी की नॉलेज थी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा नंबर 10 में हम लिखेंगे कि एक्यूज्ड फर्दर कोर्ट के सामने ये प्लीड करता है कि फोर्जरी जो बात की जा रही है वो अभी तक उसके ऊपर कोई एक्ट हुआ नहीं है, तो वो इस ऑफेंस के लिए गिल्टी भी नहीं हो सकता। साथ ही ये बात भी हमें पता है कि उसने मार्कशीट उस अथॉरिटी के सामने सबमिट करी, ये फैक्ट डिस्प्यूट में नहीं है। यानी उसने ये बात एडमिट करी है कि मैंने मार्कशीट उस अथॉरिटी के सामने सबमिट करी है। क्योंकि ये एडमिटेड फैक्ट है तो इसे प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और साथ ही फोर्जरी के ऑफेंस के लिए फोर्ज डॉक्यूमेंट को यूज़ करना ही, क्योंकि उसने ये डॉक्यूमेंट उस अथॉरिटी के सामने सबमिट कर दिया, यहीं से इस ऑफेंस का जो एक्टस रियस है वो कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा, हमने इस एक्यूज के ऊपर चार्ज लगाया था चीटिंग का, चीटिंग के ऑफेंस के लिए जो इसने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया इस अथॉरिटी के सामने, तो जो प्रिपरेशन थी इस चीटिंग के ऑफेंस की वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो प्लेटफॉर्म है इस ऑफेंस को कंप्लीट करने का वो क्रिएट हो चुका है। अब किसी भी ऑफेंस को करने की दो स्टेजेस होती हैं, पहला होता है प्रिपरेशन और दूसरा होता है अटेम्प्ट। तो जो चीटिंग का ऑफेंस है, जैसे ही इसने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो प्रिपरेशन की जो स्टेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो स्टेज आती है अटेम्प्ट की, तो अब ये अपने अटेम्प्ट के स्टेज में था, पर क्योंकि कमेटी को ही सस्पिशन हो गया था इसलिए इसे एडमिशन नहीं मिला। तो चीटिंग का जो ऑफेंस है वो इनकम्प्लीट रहा, क्योंकि जो इसका ऑफेंस था चीटिंग का वो इनकम्प्लीट रहा है, इसलिए जो इसने ऑफेंस किया है वो माना जाएगा कि इसने अटेम्प्ट टू चीट किया है मेडिकल अथॉरिटी को। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जो भी एविडेंस प्रोड्यूस किए गए पार्टीज द्वारा और जो भी प्रोसिक्यूशन ने रेलेवेंट फैक्ट्स को ड्यूली प्रूव किया है, उन सभी को देखते हुए कोर्ट को ये लगता है, और जो भी अनरिबटेड ओरल एविडेंस कोर्ट के सामने आई प्रोसिक्यूशन विटनेस वन की, उससे ये बात क्लियर होती है कि ये एक्यूज ही है जिसने ये मार्कशीट अथॉरिटी के सामने सबमिट करी है। साथ ही जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आए हैं, जो कि सीजर मीमो है एग्जिबिट P2, उससे भी ये बात क्लियर होती है कि जो भी ज़रूरी चीज़ें थी उन्हें सीज किया गया एक्यूज्ड के पास से। साथ ही एक्यूज्ड फेल हुआ है किसी भी एक्सप्लेनेशन को देने में इस सीजर मीमो के बारे में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कोर्ट प्रिज्यूम करती है सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कि एक्यूज ने इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हुए फोर्जरी कमिट करी है उस मार्कशीट के साथ। के बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे सेक्शन 24 ऑफ IPC के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ की जाती है इस इंटेंशन से कि खुद को रॉन्गफुल गेन पहुंचाना है और दूसरे को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना है, तो उसे हम डिसऑनेस्टली कहते हैं। इस प्रेजेंट केस में जो फैक्ट हैं उसमें एक्यूज्ड ने अटेम्प्ट किया है कि एडमिशन मिल जाए उसके सन को बिना प्रॉपर क्वालिफिकेशन से, जो कि एक रॉन्गफुल गेन है उस एक्यूज्ड के सन को, जो कि लीगली एंटाइटल नहीं है उस एडमिशन के लिए। इसलिए ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि इल इंटेंशन को शो कर रहा है उस एक्यूज्ड की। इसलिए जो मेंस रिया है फोर्जरी का वो प्रूव होता है, जो कि है इल इंटेंशन। तो इन सभी चीज़ों से जो भी कोर्ट के सामने आई हैं मेंस रिया और एक्टस रियस ऑफेंस ऑफ फोर्जरी का, जो कि डिसऑनेस्टली मेकिंग ऑफ फॉल्स मार्कशीट है, जो कि एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है एज पर सेक्शन 30 ऑफ IPC, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक लीगल राइट क्रिएट करता है किसी पर्सन का एडमिशन लेने के लिए, तो मेंस रिया और एक्टस रियस प्रूव होता है। साथ ही इन सभी फैक्ट से ये बात भी प्रूव होती है कि ये एक फॉल्स मार्कशीट है जो कि इस इंटेंशन से बनाई गई है ताकि मेडिकल अथॉरिटी को चीट किया जा सके इस डॉक्यूमेंट को उनके सामने सबमिट करके। इसलिए जो ऑफेंस है सेक्शन 467, 468, 471 का वो प्रूव होता है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे, साथ ही जब एक्यूज ने ये फोर्स डॉक्यूमेंट सबमिट किया अथॉरिटी के सामने, तो ये माना जाएगा कि इसने डिसीव किया है अथॉरिटी को, और ये बात हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं इंटेंशन उस एक्यूज की
कि उसने इंड्यूस करना चाहा है अथॉरिटी को ताकि उसके सन को एडमिशन मिल जाए, पर एक्यूज्ड फेल हुआ है एडमिशन लेने में क्योंकि जो कमेटी थी उनको ये सस्पिशन क्रिएट हो गया था। तो जो ऑफेंस है अटेम्प्ट टू चीट का अंडर सेक्शन 420 रेड विथ 511 वो भी प्रूव होता है। तो इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए कोर्ट ये कंक्लूड करती है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बिना किसी रीजनेबल डाउट के प्रूव किया है, इसलिए एक्यूज्ड गिल्टी होता है और कन्विक्ट होता है सेक्शन 467, 468, 471 और 420 रेड विथ 511 ऑफ आईपीसी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जो जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट है वो टेम्परारीली सस्पेंड की जाती है ताकि एक्यूज्ड को क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुना जा सके एज पर सेक्शन 248 क्लोज 2 ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद हम सेंटर में लिखेंगे री हियरिंग। अब पैरा नंबर 15 में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की साइड से जब दोनों को सुना गया क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर तो प्रोसिक्यूशन ने प्रे किया कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वहीं एक्यूज ने प्रे किया कि लीनियंसी बरतनी चाहिए कोर्ट को। जो इस ऑफेंस का ग्रेव नेचर है उन सब को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को ये प्रॉपर नहीं लगता कि कोर्ट को अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हुए इस एक्यूज्ड को प्रोबेशन का बेनिफिट सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी में देना चाहिए या फिर सेक्शन 346 का इस्तेमाल करते हुए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का कोई बेनिफिट देना चाहिए, ऐसा कोर्ट को ठीक नहीं लगता है। और साथ ही जो ये ऑफेंस है ये एक तरह की जो स्टेट की मशीनरी है उसको रोक देगा और जो वैल्यूएबल एजुकेशन है उसको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये फॉलोइंग सेंटेंस पास करती है। तो जब भी हम सेंटेंस पास करेंगे तो ये इंडेक्स बनाएंगे जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, एक्यूज्ड का नाम, किस सेक्शन में कन्विक्शन हुई है, कितनी इम्प्रिजमेंट दी जाएगी, कितना फ़ाइन लगाया जाएगा और फ़ाइन ना पे करने पर कितनी इम्प्रिजमेंट दी जाएगी, ये फिल कर दिया जाएगा। जिस जिस सेक्शन में कितनी कितनी इम्प्रिजमेंट देनी है उसको हम अलग अलग कॉलम में लिखते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे सेक्शन 31 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग तो जो भी पनिशमेंट एक्यूज को दी गई है ये कंकरेंटली रन होंगी। नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे जो इम्प्रिजमेंट है फाइन के लिए वो एक्यूज अंडरगो करेगा जब वो अपनी मेन इम्प्रिजमेंट है उसको अंडरगो करने के बाद एज पर सेक्शन 30 क्लोज 2। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे सेक्शन 428 ऑफ सीआरपीसी को प्रिपेयर की गई जिसमें कि जितना उसने इम्प्रिजमेंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान अंडरगो किया है उन सबको सेट ऑफ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जो एक्यूज के बेल बोंड हैं उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है और एक्यूज को कस्टडी में लिया जाता है ताकि वो सेंटेंस को सर्व कर सके। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि एक्यूज से एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं बेल बोंड सेक्शन 437A ऑफ सीआरपीसी के ताकि एपिलेट कोर्ट में उसकी प्रेजेंस को इंश्योर किया जा सके। इन बोंड्स की वैलिडिटी 6 मंथ्स की होगी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे सेक्शन 452 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो भी आइटम सीज की गई थी जो कि पुलिस की कस्टडी में है उसे डिस्पोज ऑफ करने के ऑर्डर दिए जाते हैं जैसा भी अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर होगा उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे सेक्शन 363 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग एक्यूज्ड को जजमेंट की कॉपी दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिखेंगे कि ये जजमेंट डेटेड साइन और प्रोनाउंस किया गया है ओपन कोर्ट में। उसके बाद राइट हैंड साइड पर आप साइन करेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के, फिर लेफ्ट हैंड साइड पर दोबारा से साइन होंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के।